नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए छोटी बड़ी हर प्रकार की सरकारी नौकरी की खबर सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों आज तारीख है 17 नवंबर 2019 और आज एक काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी की गई है। CISF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पेज नंबर 10 पर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। हेड कांस्टेबल्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। स्पोर्ट्स से जुड़े सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि 12वीं पास कैंडिडेट्स हैं, बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है ये। नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिहाज से भी ये काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है स्पोर्ट्स के लिए भी, कौन कौन से कैंडिडेट्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही कौन कौन से स्पोर्ट्स इसमें कंसीडर किए जाने वाले हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि जो आपको इसमें अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मीडियम से अप्लाई करना है, ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन माध्यम से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किस स्पोर्ट्स के थ्रू इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस बात पर डिसाइड होगा कि आप किस एड्रेस पर बाई पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए अलग अलग पोस्टल एड्रेस मेंशन किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट को भेजना है। सबसे पहले स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स काउंट किए जाने वाले हैं इस पूरी रिक्रूटमेंट के अंदर। सबसे पहले आता है दोस्तों एथलेटिक्स, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्सिंग के लिए भी मेल और फीमेल्स दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिमनास्टिक्स के लिए भी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फुटबॉल के लिए भी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हॉकी के लिए भी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्विमिंग के लिए भी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वॉलीबॉल भी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जूडो में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेसलिंग के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स, कबड्डी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। शूटिंग के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ताइक्वांडो में मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और हैंडबॉल में केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन स्पोर्ट्स इवेंट्स जो कि कंसिडर किए जाने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो CISF की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है, हेड कांस्टेबल्स जनरल ड्यूटी के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं अंडर स्पोर्ट्स कोटा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से लेवल तक खेले हुए कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने जो ये समरी बनाई है इसके लास्ट में हमने दो टेबल्स बनाई हैं। ये देखिए, ये टेबल आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। देखिए, दो तरह के इंडिविजुअल और टीम इवेंट, दो टाइप के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर इंडिविजुअल इवेंट्स की बात की जाए तो इसमें कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट करा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल इवेंट्स की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा मेडल विनिंग परफॉर्मेंस अगर आपने दी है नेशनल गेम्स में, यानी कि फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड पोजिशन अगर आपने प्राप्त की है नेशनल गेम्स के अंदर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 और नंबर 2 से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आने वाली हैं। नंबर 3, 4 और 5 से ज़्यादातर एप्लीकेशंस आती हैं और ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी लेवल पर बिलोंग करते हैं जो कि इस वक्त एक्टिव हैं। तो मैं आपको बताऊं तो स्टेट को अगर आपने रिप्रेजेंट किया है नेशनल गेम्स के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडल विनिंग परफॉर्मेंस अगर आपने दी है इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के अंदर, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में मेडल विनिंग परफॉर्मेंस क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन अगर आपने प्राप्त की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गोल्ड मेडल यानी कि फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए नेशनल स्कूल गेम्स या फिर चैंपियनशिप के अंदर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टीम इवेंट्स में। तो अगर आपकी टीम ने कंट्री को रिप्रेजेंट करा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और आप उस टीम के एक एक्टिव पार्ट रहे हैं, ऑन फील्ड पार्ट रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडल विनिंग अगर परफॉर्मेंस दी है नेशनल गेम कॉम्पिटिशन के अंदर टीम ने, तो उस टीम के भी एक्टिव मेंबर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट टीम को अगर रिप्रेजेंट किया है नेशनल गेम्स के अंदर, यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही सफिशिएंट है, तो अगर स्टेट टीम का आप पार्ट रहे हैं नेशनल गेम्स में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडल विनिंग टीम जो है इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप की, उसका अगर आप एक्टिव पार्ट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड मेडल टीम के जो पार्ट्स हैं नेशनल स्कूल गेम्स या फिर चैंपियनशिप के अंदर, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एलिजिबिलिटी है जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एलिजिबिलिटी है।
ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 300 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, आप देश के किसी भी हिस्से में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में आफ्टर रिक्रूटमेंट आपको जाना हो सकता है। तो मेंटली आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहने की आफ्टर रिक्रूटमेंट इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपको जॉब घर के पास ना मिले, आपको पूरी कंट्री में ऑल ओवर कहीं पर भी जाना हो सकता है। 18 से 23 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की एज में रिलैक्सेशन का प्रावधान है यहाँ पर। ये जो एज है दोस्तों ये कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त 2019 से। सेलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस नोटिफिकेशन का। इसमें 4 पार्ट्स हैं जिस 4 लेवल से होकर के गुजरना होगा हर एक कैंडिडेट को इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा ऑन फील्ड ट्रायल टेस्ट। तो फील्ड पर ट्रायल होंगे दोस्तों और ये काफ़ी सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में। इसका मेन मेरिट लिस्ट से कोई भी स्कोरिंग इसकी मेन मेरिट लिस्ट में कोई रोल प्ले नहीं करने वाली है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए आपको एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस नोटिफिकेशन का और इस पूरी रिक्रूटमेंट का। इसी के बेसिस पर एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा जो कि रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। 20 मार्क्स कम से कम यहाँ पर स्कोर करना ज़रूरी है। 40 मार्क्स का ये पूरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी। फाइनल सिलेक्शन के अंदर 2 चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपका स्कोर नंबर 1, नंबर 2 आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स जो हैं जो भी रही हैं नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट आपके पास हैं या फिर स्टेट लेवल पर या फिर इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर स्कूल लेवल पर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, वो सर्टिफिकेट के मार्क्स और प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा ये 4 स्टेजेस हैं जिससे होकर के हर एक कैंडिडेट को इसमें गुजरना होगा। लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी दोस्तों, जो कि 25,500 से लेकर के 81,100 तक जाती है और ये बेसिक पे। इसमें CCA, TA, DA, HRA बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो मिले हुए नहीं हैं और ग्रेड पे मिला देने के बाद जो अमाउंट आपको सैलरी के रूप में यहाँ पर मिलने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है। तो सैलरी की तरफ से बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों ये। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर टेम्परेरी या फिर एडॉक बेसिस की ये जॉब नहीं है। अगर इसमें आपकी सिलेक्शन होती है तो टोटली करियर एकदम सेट है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। स्पोर्ट्स लिस्ट मैंने आपको बताई दी है, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, शूटिंग, स्विमिंग, टाइकोंडो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, ये स्पोर्ट्स इवेंट्स रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पूरी नोटिफिकेशन के अंदर, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या चीज़ है कि अगर आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है वो 16 नवंबर 2017 या फिर उसके बाद आई होनी चाहिए, उससे पुरानी अचीवमेंट्स को यहाँ पर इस वैकेंसी की, इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये क्रूशियल डेट है, इस क्रूशियल डेट का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, 16 नवंबर 2017। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट की बात करें तो 17 दिसंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 17 दिसंबर 2019 आपकी पोस्ट का वहां पर हेड ऑफिस पर पहुंचने की लास्ट डेट है। तो आप इस तारीख से तकरीबन 7 से 10 दिन पहले ही अप्लाई कर दें, उससे ज़्यादा वक्त मत लगाइएगा, क्योंकि पोस्टल डिले की वजह से भी काफ़ी बार कई कैंडिडेट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं तो फिर आपके लिए लास्ट डेट में 7 दिन का और थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 24 दिसंबर 2019 नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए लास्ट डेट रखी गई है। 100 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा जा रहा है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। सभी महिलाओं के लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं जरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। चला गया।
तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पेज नंबर 10 पर दी गई है। 16 नवंबर का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। 17 दिसंबर 2019 से इसके लिए लास्ट डेट हो जाती है अप्लाई करने के लिए, शाम 5 बजे तक। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 24 दिसंबर 2019 लास्ट डेट है। ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। 800 मीटर, 1500 मीटर एथलेटिक्स, 5000 मीटर्स, ये वैकेंसी टू वैकेंसी जो कैटेगरी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो 167 सेंटीमीटर रखी गई है। हालांकि गोरखा या फिर तिब्बत से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर्स यहाँ पर हाइट रखी गई है। इसके अलावा चेस्ट का जो विदाउट एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन यहाँ पर साइज़ दिया गया है वो 81 से 86 सेंटीमीटर्स दिया गया है। महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर्स यहाँ पर मिनिमम हाइट रखी गई है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको ध्यान रखना। आई साइट 6x6 यहाँ पर होना ज़रूरी है। 6x9 तक भी हालांकि यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एड्रेस मेंशन किया गया है एथलेटिक्स के लिए और बॉक्सिंग, बास्केटबॉल सभी इवेंट्स के लिए यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया गया है जहाँ पर आपको बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए फ़ीस तो नहीं दे सकते हैं, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा या फिर चलान बनवाना पड़ेगा। तो जिसके नाम से ये बनेगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के अंदर। साथ ही आखिरी में पूरे परफॉर्मा दिया हुआ है, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि यहाँ पर आपको अप्लाई करा जाएगा। अलग अलग, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट हो गया, सारा यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी डिटेल्स इसके अंदर भरनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल इसी वक्त दोस्तों दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।